बड़ी खबर यह है कि अब सीआईएसएफ ने आरजी के अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। आपको बता दें बंगाल पुलिस से टेक ओवर कर ली है सुरक्षा की जिम्मेदारी। और इसी बीच आपको बता दें अब सीआईएसएफ ने कोलकाता के आरजी के अस्पताल की सुरक्षा संभाल लिया। कोलकाता पुलिस ने सीआईएसएफ से सुरक्षा की जिम्मेदारी टेक ओवर कर लिया। सीआईएसएफ ने कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ का जिक्र किया था, बंगाल पुलिस पर सवाल उठाया था और अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपने की मांग उठाई थी। केंद्र के सुझाव को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को जिम्मेदारी सुरक्षा की सौंपी थी। और अब इसी कड़ी में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीआईएसएफ ने कोलकाता पुलिस से जो जिम्मेदारी है सुरक्षा की वो टेक ओवर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया था क्योंकि केंद्र सरकार ने सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल कोलकाता पुलिस पर खड़े किए थे और उसके बाद अब आरजी के अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के कंधों पर होगा क्योंकि सीआईएसएफ ने कोलकाता पुलिस से सुरक्षा की जिम्मेदारी टेक ओवर कर ली है। Thereafter, you'll get all the information, right? Sir, how many forces will we deploy? Again, you are saying the same thing. Please don't repeat. We don't know anything. See, we don't know anything. Let us do our job. ठीक है? Thank you. Thereafter, you'll get all the information, right? Sir, how many forces will we deploy? Again, you are saying the same thing. Please don't repeat. We don't know anything. See, we don't know anything. Let us do our job. ठीक है? Thank you. तो कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको देते हैं। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, सीबीआई करवाएगी टेस्ट जिसमें सामने आ जाएगा। आपको बता दें इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है और ऐसे में जब ये पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी सीबीआई की टीम तो ये पता लग जाएगा कि किस दबाव में क्या कुछ कहा गया अब तक, जो सच है वो सामने आ जाएगा इस पॉलीग्राफ टेस्ट में। आपको बता दें जो अंदर की बातें छिपी होंगी किसी भी आरोपी के अंदर तो वो बातें सामने आ जाती हैं, जो झूठ कहा है वो भी पता लग जाएगा, क्या उसके बाद कई राज खुलेंगे ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें आरोपी संजय रॉय जो बार बार गुनाह कबूल कर रहा है, खुद को ही फांसी देने की मांग कर रहा है, ऐसे में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। जो डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उनका कहना था कि स्केप गोट है ये संजय रॉय जो है, बलि का बकरा इसे बनाया जा रहा है। दरअसल जो असल में आरोपी है वो कोई और है और जो इसके बाद जो शक व्यक्त हुआ है उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब जब सीबीआई ये टेस्ट करवाएगी तो कौन से और राज खुलेंगे इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि हर रोज जितने नए खुलासे हो रहे हैं विरोध बढ़ता जा रहा है। पूरे देश भर में प्रदर्शन की स्थिति दिख रही है, नाराजगी दिख रही है, ममता सरकार और कोलकाता पुलिस को भी लगातार लोग घेर रहे हैं और सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब जाकर जागेगी ये सरकार। तो संजय रॉय से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस दौरान उसके पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी भी की जा रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है ये आपको बता देते हैं। एक व्यक्ति का ये टेस्ट किया जाता है प्रॉपर तरीके से, संजय रॉय का ये टेस्ट किया जाना है। इस दौरान बता दें परीक्षण के दौरान सवाल भी पूछे जाते हैं, कई सवाल उसके सामने रखे जाएंगे, उन सवालों का मिलान भी किया जाएगा। मशीन शारीरिक प्रतिक्रिया को मापती है, जैसे जैसे जवाब दिए जाते हैं वैसे वैसे शरीर मशीन जो है शारीरिक प्रतिक्रिया को मापती है और उस हिसाब से ये पता चलता है कि ये शख्स सही जवाब दे रहा है या नहीं। साथ ही इसके हार्ट रेट ब्लड प्रेशर को भी इस दौरान मापा जाता है कि इसका हार्ट रेट कितना है। जवाब देते समय मशीन से ही पूरी जाँच की जाती है जिससे कि पूरी स्थिति साफ हो सके कि ये शख्स क्या जवाब दे रहा है, कैसे जवाब दे रहा है, सही तरीके से जवाब सामने आ रहा है कि नहीं। यही वजह है कि संजय रॉय आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग लगातार की जा रही थी और अब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी भी की जा रही है। झूठ बोलने पर शारीरिक प्रतिक्रियाओं से पता चल जाता है कि शख्स झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ये पॉलीग्राफ टेस्ट करने का तरीका है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एम्स के डॉक्टर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और इसको लेकर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई थी, नेशनल टास्क फोर्स जिसमें अलग अलग जगहों से डॉक्टर्स को शामिल किया गया था, लेकिन दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स फिलहाल हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जंतर मंतर पर उनका ये प्रदर्शन, उनकी हड़ताल अभी भी जारी रहेगी। कोलकाता में भी लगातार डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया और इस मामले में कल सुनवाई करते हुए ममता सरकार को भी फटकार लगाई। और सबसे ज्यादा सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर पूछे गए कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को तुरंत ट्रांसफर की कर दिया गया, किस तरह का कोई सवाल जवाब नहीं किया गया, किस तरह की कोई जांच नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि टास्क फोर्स बना के डॉक्टर्स की सुरक्षा को हम सुनिश्चित करेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन डॉक्टर्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ उनका कहना है कि इस मामले में सिर्फ एक आरोपी नहीं है, और भी कई लोग हैं जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही है, पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, साथ ही हमारी सुरक्षा कैसे होगी, महिला डॉक्टर्स रात भर काम करती हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, इस पर लगातार डॉक्टर्स सवाल पूछ रहे हैं। जो तस्वीर अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ऐसी ही तस्वीर इस वक्त लगातार लगभग देश भर में सामने आ रही है, दिल्ली में सामने आ रही है, लखनऊ में सामने आ रही है, कोलकाता में, हर जगह से लगभग एक ही तस्वीर। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। 64 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी भी संदीप घोष से पूछताछ की जा रही, आज भी पूछताछ की तैयारी है। वहीं संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि पूछताछ के लिए क्या तैयारी की जा रही है। हर अपडेट सबसे पहले आपको बता रहे हैं अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले में और कैसे आगे और जांच बढ़ रही है, ये भी आपको बता रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पिछले 6 दिनों से लगातार जिस तरीके से पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है, उसके बाद किस तरह 12 घंटे पहले पूछताछ की गई आप देख सकते हैं 16 अगस्त को, उसके बाद 17 अगस्त को 13 घंटे पूछताछ की गई, 18 अगस्त को भी पूछताछ का ये जो सिलसिला बना हुआ था उस दौरान भी आपको बता रहे तकरीबन 15 घंटे तक पूछताछ की गई, फिर 19 अगस्त को 13 घंटे तक पूछताछ की गई, लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि अभी तक जो कुछ भी चाहती है सीबीआई, वो अभी तक भी निकलकर सामने नहीं आ पाया है, और इसी वजह से आपको बता दें लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ। लेकिन आपको बता दें 4 किरदार हैं, लेकिन साजिश के तार आखिरकार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। संजय राय जो कि मुख्य आरोपी है, पॉलीग्राफी टेस्ट उसका किया गया है, इसके अलावा अरूप दत्ता जो कि एसआई बताए जा रहे हैं, यह भी आरोपी है, आरोपी का करीबी बताया जा रहा है। दूसरे दिन सीबीआई की इससे भी पूछताछ हुई, इससे भी तमाम सवाल जवाब किए गए। इसके अलावा जो तीसरा किरदार है वो संदीप घोष है, पूर्व प्रिंसिपल है, और संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा विनीत गोयल की अगर बात करें, पुलिस कमिश्नर कोलकाता, सवालों में पुलिस भी है, और इसीलिए बंगाल पुलिस के कई जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी सवालों के घेरे में हैं, उनसे भी पूछताछ की गई। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है उसके मुताबिक ये 4 किरदार हैं, साजिश के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं इसको लेकर इन सभी से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें ये 4 किरदार हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। पहला किरदार संजय रॉय मुख्य आरोपी है, पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, अरूप दत्ता एएसआई है, आरोपी का करीबी, दूसरे दिन इससे भी सीबीआई ने पूछताछ की। इसके अलावा संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, विनीत गोयल से भी लगातार पूछताछ की गई।